अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूमर्स क्लासेस। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। सो अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टू चैप्टर्स, दैट स्पेरेटिक क्लासिफिकेशन एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द थर्ड चैप्टर, दैट्स एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट्स पीएच। ठीक, इसमें मैंने आपको दो लेक्चर्स दिए हैं, वो मैंने कंप्लीट आपको, आई होप दैट आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स पीएच। ठीक, यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, मतलब एसिड एसिड की स्ट्रेंथ कैसे हम डिटरमाइन करेंगे और बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयोनस, एच पॉजिटिव आयोनस एंड ओ एच नेगेटिव आयोनस प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊँ आपको एसिड हम मतलब कैसे मतलब ये करेंगे, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जिस जो एसिड मतलब रिलीज़ करेगा एच पॉजिटिव आयनस ज़्यादा, क्या करेगा? एच पॉजिटिव आयनस ज़्यादा क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, या मतलब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयनस, एच पॉजिटिव आयनस, ठीक है, प्रेजेंट इन एसिड, दे डिटरमाइनस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, और ओ एच नेगेटिव प्रेजेंट इन बेस, दे डिटरमाइनस द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। ठीक है, ये याद रख लेना, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयनस होंगे एसिड में, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी होगी। ठीक, अगर जितने ज़्यादा मतलब ओ एच नेगेटिव आयनस होंगे एक बेस में, ठीक है, जितने ज़्यादा ओ एच नेगेटिव प्रेजेंट होंगे एक बेस में, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी बेस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखो, विद द हेल्प ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पी एच स्केल। अब हमको क्या करना है, अगर हमको पता लगाना होगा कि ये एसिड कितना स्ट्रांग है और ये बेस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, एंड दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड द पी एच स्केल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पी एच स्केल। तो जो पी एच है, इसमें जर्मन में मतलब पोंटिस कहते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, पी एच हम बोलते हैं ना, पी एच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वही होता है। दिस स्केल मेजर्स फ्राम, इसमें क्या होता है, ये मेजर करती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ज़ीरो टू फोर्टीन। ठीक है, मतलब इसमें होते हैं नंबरिंग होती है 0 to 14। ठीक, यहाँ पे देखो, ज़ीरो को हम अगर ज़ीरो हम लेंगे, ये होता है अगर इस सॉल्यूशन, इस मतलब पीएच पे कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो हम बोलेंगे वो क्या है, एसिडिक, मतलब वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक। फिर अगर हम देखेंगे 14, अगर हम 14 देखेंगे, 14 होता है हाईली बेसिक, क्या होता है, हाईली बेसिक, 14 वाला। ठीक, अगर पीएच होगा सॉल्यूशन का 14, वो होता है हाईली बेसिक। अब अगर 7 होगा किसी सॉल्यूशन का पीएच होगा 7, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, याद रख लेना, न्यूट्रल होता है 7, जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा। अगर 0 होगा तो हाईली एसिडिक होता है। ठीक, अगर बेस होगा मतलब अगर ये 14 होगा तो वो हाईली बेसिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाईली एसिडिक, इसका मतलब हुआ उसमें एच पॉजिटिव आयनस, हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयनस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसी की वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक, अब अगर मतलब हाईली बेसिक होगा, इसमें इसका मतलब हुआ उसमें नंबर ऑफ जो ओएच नेगेटिव आयनस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब यहां पे मैं इसको रब करता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएच पेपर इज ए पेपर विच इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच, मतलब अब हम मतलब पीएच मेजर करने के लिए एक पेपर लेते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पीएच पेपर। यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ पीएच, अब यहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, यहां पर देखो, यहां पर पहले नंबर पर सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने ये अलग से क्यों नहीं पढ़ाया, मतलब यहाँ पे जो पीडीएफ है यहाँ पे अच्छे से लिखा है, इसलिए आपको यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आएगा पीएच वैल्यू यहाँ पे दिया है, उसके बाद कलर ऑफ द पीएच पेपर, ठीक है, क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर पीएच होगा 0, ये मैंने आपको बोला ही पहले, ये क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, बट जब हम मतलब जो कलर होता है ना पीएच पेपर का, वो कैसा बनता है, वो डार्क रेड हो जाता है। ठीक है, पीएच पेपर का कलर डार्क रेड हो जाता है, और जो सॉल्यूशन होगा जिसका पीएच 0 होगा वो होता है हाईली एसिडिक, ये याद रख लेना, सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का पीएच होगा 0 वो होता है हाईली एसिडिक। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, जो हाईली एसिडिक होगा उसमें एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है वेरी हाई एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। उसके बाद ओ एच नेगेटिव, तो ये तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, ये तो कॉमन सेंस है, वेरी लो, वो कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जिसका पीएच, जिस सोल्यूशन का पीएच होगा 4, क्या होगा 4, ये भी होगा ना एसिडिक, मैंने बोला आपको 0, देखो यहाँ पे 0 to 7 जिसका होगा ना, 0 to 7,
वो होता है एसिडिक, ठीक है, वो सारे होते हैं एसिडिक, बस सेवन वाटर सेवन वाला न्यूट्रल होता है, याद रख लेना। जो होगा फिर 7 to 14 वो होते हैं बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बोला pH 4, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, pH बोला है इसने 4। अब यहाँ पे देखो, जो pH पेपर होता है उसका कलर हो जाता है ऑरेंज और येलो इस सोल्यूशन में डाल के, ठीक है। जो पेपर होता है अगर हम इस सोल्यूशन में डालेंगे जिसका pH 4 है, इस pH पेपर का कलर होता है ऑरेंज और येलो, इससे हम पता चला सकते हैं कि इसका pH कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया, आपको मैं बोलूँगा कि इसका pH चेक करो, इसका pH डिटरमाइन करो कितना है। अब आप उसमें एक आप मतलब ये pH पेपर डालोगे, अगर pH पेपर का डार्क रेड हो गया कलर, तो उसका मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, 0। अगर अब उस पीएच पेपर का कलर हो गया ऑरेंज और येलो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस सॉल्यूशन का पीएच है 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी होगा एसिडिक, ठीक है, एसिडिक ही होगा, ठीक है, वीक ही होगा बट एसिडिक होगा, ठीक। उसके बाद एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई इसमें भी, ठीक है। उसके बाद ओएच नेगेटिव, लो, ठीक। उसके बाद अगर मैं 7 सीरियल नंबर 3 की बात करूं, दैट्स पीएच 7, ठीक। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक सोल्यूशन है, इसका पीएच चेक करो, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीएच पेपर भी दिया, अब आपने इस सोल्यूशन में इस पीएच पेपर को डाला, ठीक है। अब आपको रिजल्ट आया वहाँ से, जो पीएच पेपर का कलर है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आप क्या समझोगे, जो पीएच है सोल्यूशन का वो क्या है, 7 है, ठीक। जो पीएच पेपर होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, जब हम इस सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। और जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा, न्यूट्रल, ये मैंने आपको बोला ना, तो इधर इट विल नॉट बी मतलब दिस न्यूट्रल, ठीक है, ना तो ये न्यूट्रल होगा, सॉरी, ना तो ये एसिडिक होगा, ना तो ये बेसिक होगा, ठीक। उसके बाद एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, इक्वल, मतलब जितने एच पॉजिटिव आयन्स होंगे उतने ओ एच नेगेटिव आयन्स भी होंगे, इसकी इसी का मतलब होता है ना, वो फिर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पे आता है 10, जिस सोल्यूशन का पीएच होगा 10, अगर हम उस सोल्यूशन में जिसका पीएच 10 है उसमें हम डालेंगे पीएच पेपर, ठीक है, उस पीएच पेपर का जो कलर होता है वो होता है ब्लूइश ग्रीन और ब्लू, ठीक है, या तो ब्लू होगा या तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, ठीक। और जो नेचर ऑफ सोल्यूशन होता है, मतलब जो जिसका जिस सोल्यूशन का पीएच 10 होगा उसका जो नेचर होता है ना, वो होता है अल्कलाइन, क्या होता है, अल्कलाइन, ठीक है। एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है, और जो ओएच नेगेटिव वो होती है हाई, क्योंकि पीएच तो 10 है, मैंने आपको बोला 7 to 14 वो क्या होता है, बेसिक होता है, इसलिए अल्कलाइन भी हम बोल सकते हैं, बेसिक हो तो बेसिक और अल्कलाइन सेम है, याद रख लेना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब यहां पे देखो सीरियल नंबर 5, दैट्स 14, अगर हम मतलब किसी सोल्यूशन का पीएच क्या है 14, अगर हम उसमें डालेंगे पीएच पेपर उसका कलर हो जाएगा डार्क ब्लू और वायलेट, ठीक है। और जो नेचर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या होता है, हाईली बेसिक, मैंने आपको बोला 14 का होता है हाईली बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट दैट्स एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दैट विल बी वेरी लो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव इट विल बी वेरी हाई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा, याद रख लेना ये टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव राइज टू मोर एच पॉजिटिव आयन्स, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मैंने आपको वो पहले ही बोला जिसमें एच पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे वो हम मतलब ये क्या हम कंसिडर करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये एच पॉजिटिव आयन्स बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है, यही ये बोल रहा है। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, दैट्स HCl, H2SO4 एंड HNO3, दैट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नंबर 2 इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नंबर 3 इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स वीक एसिड्स गिव राइज टू लेस एच पॉजिटिव आयन, जो वीक एसिड्स होते हैं वो राइज देते हैं, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेस एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही ये बताया है CH3COH क्या है, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, या एथनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड इज इट्स कॉमन नेम एंड इट्स दिस आयोनिक नेम इज एथनॉइक एसिड, ठीक। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, दिस कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, दीज आर टू वीक एसिड्स एंड दे गिव राइज टू लेस एच पॉजिटिव आयन्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये तो इट विल गिव राइज टू मोर ओएच नेगेटिव आयन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। वीक बेस गिव राइज टू लेस ओएच पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, मैंने आपको बोला ये, ठीक है, यहाँ पे है ये NH4OH एग्जांपल है वीक बेस की, ठीक। नेक्स्ट अब जो पॉइंट है हमारा, मोर अबाउट साल्ट्स, अब हम साल्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई होप दैट आपको पीएच समझ आया होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला 0 to 7 दैट्स एसिडिक एंड 7 to 14 दैट्स बेसिक, अगर किसी का 7 होगा दैट्स न्यूट्रल, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। और पीएच पेपर का कलर कैसा होता है जब हम डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में डालते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोर अबाउट साल्ट्स, साल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन, ठीक है, साल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन, यहाँ पे देखो मतलब ये क्या डेरिवेशन, एक तो साल्ट्स और उस साल्ट्स को हम कहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे देख लेना, नेम ऑफ साल्ट है यहाँ पे, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद डिराइव फ्रॉम, उसके बाद डिराइव फ्रॉम, ठीक,
यहाँ पे देखो पोटेशियम सल्फेट, क्या है पोटेशियम सल्फेट, दिस पोटेशियम सल्फेट इसको हम डिराइव कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और इट विल बी डिराइव फ्रॉम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट दैट सोडियम सल्फेट, ठीक है इसको हम इसकी फार्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट की Na2SO4। देखो यहाँ पे Na2 क्या है, मतलब जो सोडियम है ना सोडियम क्यों दो है और SO4, ये SO4 -2 है और ये Na पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो चार्ज होती है सोडियम की वो 1+ होती है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दो लेते हैं ताकि जो चार्ज वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम कैसे कहाँ से डिराइव करते हैं सोडियम सल्फेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखो पोटेशियम सल्फेट इसमें पोटेशियम आता है तो इसको हम करेंगे K से, ठीक है, मतलब पोटेशियम से ही पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे सोडियम आएगा तो इसको हम करेंगे सोडियम से, ये तो सिंपल है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl इसकी फार्मूला होती है, इसको भी हम NaO से क्योंकि इसमें भी सोडियम आया तो इसको हम कैसे कहाँ से डिराइव करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सिंपल है, ठीक, और HCl से भी करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें आया क्लोराइड और HCl में भी क्लोराइड होता है, ठीक। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड इसको हम इसकी फार्मूला NH4Cl, इसको हम कहते हैं निकालते हैं कहाँ से डिराइव करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहले पहला नाम देखो जो साल्ट है उसका पहला नाम देखो, देखो ऊपर वाले का है पोटेशियम, इसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इससे मिलता है ना। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इज सोडियम सल्फेट, इसका पहला नाम क्या है सोडियम और डिराइव भी करते हैं किससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद नेक्स्ट दैट सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहाँ से करते हैं सोडियम से, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको भी, ठीक है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, इसका पहला नाम क्या है अमोनियम, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है इसको नजर रखो, NaCl एंड Na2SO4 मतलब एक तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स एज दे हैव द सेम रेडिकल्स, मतलब ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं एज दे हैव सेम रेडिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ना सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है, ये तो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट्स, इसमें दोनों में क्लोराइड साल्ट्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, मतलब pH की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ डे टू डे लाइफ में, ठीक है। पहला पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो हमारा एसिड होता है वहां पे वो किसको किस काम के लिए, वो डाइजेशन के लिए काम आता है, ठीक। अब यहां पे देखो इसने क्या लिखा है, यहां पे देखो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसने बताया pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो pH होता है मतलब हमारी बॉडी में वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, इन केस ऑफ इनडाइजेशन और स्टोमिक प्रोड्यूस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच, देखो जब हमें इनडाइजेशन होती है ना, मतलब इनडाइजेशन मतलब जो फूड होता है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, फिर हमें मतलब फुलफिलनेस फील होता है, फुलफिलनेस मतलब हमें भूख ही नहीं लगती, हमें पेट क्या लगता है, हमें पेट फुल है, ठीक है, फिर हमको भूख ही नहीं होती है, वो क्यों होती है क्योंकि हमारा फूड जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है जो स्टमक होता है वो जो एसिड होता है HCl वो क्या करता है वो लार्ज क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक। जब एसिड गिरेगा हमारे मतलब वॉल्स पे, देखो जो हमारे वॉल्स होते हैं ना उस पर उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, म्यूकस क्या होता है वो बेसिक होता है, वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, वो क्या करता है वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक। उसकी वजह से हमें कुछ नहीं होता हमारे स्टोमक वॉल को, ड्यू टू द म्यूकस प्रेजेंट इन द स्टोमक विच इज अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज द HCl प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक, ठीक है, और उन जो HCl ये कौन से सेल्स करते हैं पेप्टिक सेल करती है, ठीक है, पेप्टिक सेल, सॉरी पेप्टिक सेल नहीं, आई एम सो सॉरी पैराइटल सेल, आई एम सो सॉरी पैराइटल सेल, इसको क्या हुआ, हाँ देखो जो HCl प्रोड्यूस करते हैं ना हमारे स्टोमक में वो कौन करते हैं पैराइटल सेल, ठीक है, याद रख लेना पैराइटल सेल हमारे स्टोमक में सेल्स होती है, ठीक है, चार टाइप्स के होते हैं, पैराइटल सेल जो होती है वो क्या करते हैं सीक्रेट HCl, ठीक है, और जो म्यूकस होता है वो करते हैं गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल्स सीक्रेट इज द म्यूकस, ठीक है, इन द स्टोमक एंड द पैराइटल सेल सीक्रेट इज द HCl इन द स्टोमक, ठीक है, और जो पैराइटल सेल है इनका दूसरा नाम क्या होता है ऑक्सेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल ये आप याद रखना पैराइटल सेल, ठीक है, और दूसरा नाम इनका होता है ऑक्सेंटिक सेल, ठीक, ये क्या करते हैं सीक्रेट म्यूक ये सॉरी HCl। अब इस HCl ये क्या करता है जो इनडाइजेस्टिड फूड होता है, ठीक है,
अब जब हमने देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा जो HCl होता है ना, ये किसको न्यूट्रलाइज करता है, सॉरी HCl नहीं, जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं वो इस HCl को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस किया स्टोमक ने, ठीक है। अब जब मतलब इनडाइजेशन होते हैं, इसके बाद जो HCl प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो जो म्यूकस होता है ना, एक तो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज, बट उसके बाद भी अगर HCl बचता है, ठीक है, अगर HCl बचा ना, वो किस पे गिर जाएगा, वॉल्स ऑफ द स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब म्यूकस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, उसके बाद HCl भी प्रोड्यूस हो गया, ये म्यूकस इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज, ठीक है, हुआ न्यूट्रलाइज। अब जब इनडाइजेशन होती है, बट जो HCl होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है मोर देन देट ऑफ म्यूकस, ठीक है। अब जब मतलब म्यूकस ने अपना काम किया, उसने न्यूट्रलाइज किया, बट इसके बाद भी कुछ बचता है HCl, क्योंकि इनडाइजेशन हो गई है, तो उसकी वजह से HCl प्रोड्यूस होगा ज़्यादा। क्या होता है फिर, जो HCl होता है वो वॉल्स पे गिर जाता है, वॉल्स ऑफ द स्टोमक, फिर ये उनको मतलब क्या करता है, डिग्रेड करता है, ठीक। उसकी वजह से हमको क्या फील होती है, पेन फील होती है, बोलते हैं ना कि हमको स्टोमक में पेन है, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस HCl, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टोमक फील्स पेन, ठीक है, हमको क्या ये होता है, फील होता है, पेन हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, जब पेन हो जाती है, यहाँ पे देखो, अब पेन हो जाती है, अब इसको क्या करना है, अब इसको न्यूट्रलाइज करना है ना HCl को, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देता है हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, वो देता है, वो बोतल देता है, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। वो क्या करता है, वो ये बेसिक होता है, ये इस HCl को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंटी एसिड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एक्सेस एसिड होता है स्टोमक में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है, पेन हमको फिर हमें फ़र्क हो जाती है, ठीक, याद रख लेना। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ आपको, फिर अब ये खुद समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, pH level of our body regulates our digestion. देखो, in case of indigestion, our stomach produces acid in a very large quantity because of which we feel pain, ठीक है, and irritation in our stomach. To get relief from this pain, antacids are used, ठीक है, जो मैंने आपको बोला, these antacids neutralize the excess acid and we get relief, ठीक, याद रख लेना, या कोई पेंट आप खाता है, ठीक। उसके बाद pH of acid rain, ठीक है, acid rain का pH क्या होता है, यहाँ पे देखो, when pH of acid rain water is less than 5.6, it's called acid rain, याद रख लेना, ठीक है। जब रेन वाटर का pH हो जाता है ना, less than, क्या हो जाता है, less than 5.6, this is called acid rain, ठीक है, acid rain, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जब रेन वाटर का pH क्या बन जाता है, 5.6, less than 5.6, इसको हम कहते हैं एसिड रेन, क्योंकि एसिड कहाँ से लेके कहाँ तक आता है, 0 to 7, ये मैंने आपको बोला, वो तो एसिडिक ही होता है, इसीलिए फिर ये एसिडिक बनता है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, दीज आल्सो गेट एसिड, देखो जब ये एसिड रेन कहाँ पे गिर जाता है, कहाँ पे जाता है, फिर रिवर्स में जाता है, ठीक है, और जो रिवर्स वो भी एसिडिक बन जाते हैं। उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, फिशेज होती है, जो भी एक्वेटिक जू प्लैंकटन होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक जो सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ होती है, उन पर क्या होता है, थ्रेट होता हो जाता है, ठीक है, उन पर खतरा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, विच कॉज थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक। उसके बाद पीएच ऑफ सॉइल, अब यहाँ पे देखो, पीएच रिक्वायर, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी होता है एक पीएच, मतलब एक मतलब पीएच होना चाहिए उनके लिए, ठीक है, एक नॉर्मल पीएच होना चाहिए उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक। ये पीएच ऑफ सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल, ठीक है, अगर किसी जगह पे पीएच हो गया, या तो हो गया कम या तो हो गया ज़्यादा, किसे, नॉर्मल से, नॉर्मल पीएच से अगर किसी जगह पे क्या हो गया, या तो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसकी वजह से क्या होती है, प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ेगा ना, क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो फार्मर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फिर वहाँ पे सूटेबल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ताकि प्लांट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्रॉप्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक। Our body functions between the range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in the narrow range of pH change. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बोलता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो फंक्शन करती है फ्रॉम इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये सर्वाइव करती है, ठीक है, नेरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, मतलब अगर थोड़ी सी भी चेंज हो गई ना, तो उसके बाद थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टूथ डिके के बारे में एंड पीएच, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट, देखो जो बैक्टीरिया होता है ना प्रेजेंट, मतलब अगर हमने मिठाई की, हमने स्वीट खाया, ठीक है, वो दांत में फंस गई, ठीक है, टीथ में फंस गई, ठीक। अब जो स्वीट है, मिठाई है, उसकी वजह से क्या हुआ, उस पर बैक्टीरिया अटैक करेगा, ठीक। अब जो ये बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या, हमने जब फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर खाया, ठीक है, हमने चीनी खाया, हमने शुगर खाया, उस पर जब बैक्टीरिया अटैक करता है ना, ये प्रोड्यूस करता है वहाँ पर एसिड, क्या करता है, प्रोड्यूस एसिड, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है।
अब क्या होता है, इस एसिड की वजह से ये डिग्रेड हो जाता है, ये जो टीथ होता है ये डिग्रेड होने लगता है। ठीक, अब जो पीएच इसका एसिडिक होता है, ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, टीथ क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, टीथ ही खत्म हो जाएगा। अब क्या हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेसिक, वो बेसिक होता है, फिर वो फिर जाके वो इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज, फिर हमारे दांत भी ठीक हो जाते हैं। ठीक, याद रख लेना, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, वो इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। या एसिड कौन करता है, प्रोड्यूस बैक्टीरिया, ठीक है, जो एक्शन करता है, जो डिग्रेड करता है किसको, शुगर को, शुगर फूड पार्टिकल्स को, या शुगर या फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसको पढ़ता हूँ, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ यूजिंग टूथपेस्ट विच जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, इसे टूथ डिके बच सकता है। ठीक, उसके बाद बी सिटिंग और नीटल स्टिंग कॉन्टेनर मेथनोइक एसिड, जो बी स्टिंग होते हैं ना, मतलब जब बाइट करते हैं बी, उसके बाद वो एक एसिड डालती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेथनोइक एसिड। ठीक है, याद रख लेना, विच कॉजेज पेन, उसके बाद हमको पेन होती है ना जब हम बी काटते हैं, हमको बाइट करते हैं, विच कॉजेज पेन एंड इरीटेशन वेन वी यूज़ ए वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा, जब हम यूज़ करते हैं एक बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक वीक बेस है, ठीक, इसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, फिर हमको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ तक। अब जो ये बेकिंग सोडा है, यहाँ पे मैंने आपको बोला बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, ठीक, वहाँ पे उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी फार्मूला होती है NaHCO3। ठीक है, दूसरा नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रख लेना। ठीक, यहाँ पे देखो, उसके बाद न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाता है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो बनाते हैं न्यूट्रल साल्ट। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, साल्ट। ठीक है, साल्ट, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने आपको बोला। और उस साल्ट का पीएच क्या होगा, वो पीएच वैल्यू होगा 7। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl CaSO4, NaCl कहाँ से बनता है, ये बनता है NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और HCl प्लस HCl। ठीक है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिल गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे क्या निकलेगा, Na, ठीक है, Na, यहाँ से निकलेगा Cl, क्या हो गया, NaCl। ठीक, यहाँ ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स एसिडिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है बट वीक है बेस, बट रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, वो तो एसिडिक ही होगा ना, इसीलिए बोला एसिडिक साल्ट। ठीक है, पीएच होगा लेस देन 7, मैंने आपको बोला एसिडिक सोल्यूशन का क्या होता है, पीएच लेस देन 7। ठीक, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, ये कहाँ से बना है, NH4OH एक वीक बेस है बट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स वाई देर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक साल्ट, दैट्स NH4Cl। ठीक है, उसके बाद NH4NO3, उसके बाद बेसिक साल्ट, ये तो आपको आप खुद समझ आएगा, बेसिक साल्ट होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगी और वीक एसिड होगा, पीएच क्या होगा, मोर देन 7, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, ठीक है, या CH3CONA। ठीक, यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे देखो आप CH3CONA, ठीक है, CH3CONA, याद रख लेना, दिस इज CH3COH, ये क्या है, वीक एसिड, एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ तक आई थिंक ये हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कल हम पढ़ेंगे केमिकल इज फ्रॉम कॉमन साल्ट। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हुआ होगा, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बता देना, और आई एम सो सॉरी अभी मैसेज आई, सॉरी फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।